हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम आप लोग को लेकर आए हैं टायलर्स थ्योरम, जो कि काफी इम्पोर्टेंट थ्योरम होगा, काफी इम्पोर्टेंट सीरीज होगा। देखिए ये जो थ्योरम है, ये वाला मैकलारिन सीरीज, मैकलारिन थ्योरम, दोनों में से कोई ना कोई पूछा जाता है। हम उसमें उसके बेस्ट कुछ क्वेश्चन बताए थे। आइए हम टायलर्स थ्योरम को पहले प्रूफ देखते हैं कि हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है कि लेट एफ एक्स प्लस बी द फंक्शन ऑफ द एच विच कैन बी एक्सपेंडेड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ एच। एच के पावर में क्या होता है, बढ़ते जाता है, और फिर करा है टर्म बाई टर्म एनी नंबर ऑफ टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू एच। देन देखिए जब हम इसको क्या करते हैं ना, कि कोई फंक्शन है आपके पास, फंक्शन एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x प्लस h का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश x प्लस डॉट डॉट, इसी तरह से चलते रहते। मान लीजिए कि एक फंक्शन हमने मान लिया कि f f x प्लस h इक्वल टू a0 h a1 h स्क्वायर a2 h का क्यूब a3, इसी तरह से। और इसको हम क्या करते हैं ना, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू यच। यच के हम क्या कर रहे हैं, रेस्पेक्ट में उसका हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, एफ डैश एच इक्वल टू ये वाला टर्म आपका 0, ये वाला a1, और ये 2h a2 हो जाएगा, और 3h स्क्वायर a का 3 डॉट डॉट डॉट। फिर देखिए डबल डैश यक्स प्लस एच इक्वल टू 0, यह भी आपका पार्ट 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एच है, यहाँ पे क्या बचेगा 2 ए 2, और यहाँ पे 2 इंटू 3 एच ए 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए एफ ट्रिपल डैश क्या होगा, एक्स प्लस एच इक्वल टू 0 0, यहाँ भी 0 आपका हो जाएगा, 3 2 1 ए 3 प्लस डॉट डॉट। यदि हम इसको कुछ मान लें, क्या मान लें, यदि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको देख ध्यान से देखिएगा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। जब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड जब हम मान लिए, अब क्या करना है ना भाई, कि अच्छा एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम एच इक्वल टू 0 मानते हैं। यहाँ पे इफ H इक्वल टू 0, H इक्वल टू 0, देखिए जब आप H इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो क्या होगा, तो H इक्वल टू हम इसमें 0 पुट करते हैं तो क्या हो रहा है, यप यक्स इक्वल टू क्या होगा a0, और यप डैश यक्स इक्वल टू क्या होगा a1, ठीक है। और यहां क्योंकि 0 हो जा रहा है ना, और यप डबल डैश यक्स इक्वल टू क्या होगा a2, यानी यहाँ पे समझने की जरूरत है, यहाँ पे क्या होगा 2a2, सॉरी यार 2a2, और यप ट्रिपल डैश यक्स, ठीक है। क्या हो रहा है आपका 3 × 2 × 1 a3 आ रहा है, कोई दिक्कत है। अब क्या करना है यार, कि इसी को आप इसमें पुट कर दीजिए, इसी वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। देखिए इसकी जगह पे रखना है a0 की जगह पे, तो मेरा क्या होगा एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू a0 की जगह पे क्या रखना है, एफ एक्स रखना है, और एच यानी एफ डैश एक्स यानी a1 की जगह पे क्या रखना है भैया, एच एफ डैश एक्स, और h स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, देखिए यहाँ पे क्या है ना भाई 2a2 है, यानी 2a2 यानी a कितना है आपका, देखिए a की जगह पे f डबल डैश x हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी चलिए ठीक है, देखिएगा ना यहाँ पे 2 मत रखिए, ऐसा कीजिए ना यहाँ से a2 का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे चूंकि 2a2 का वैल्यू दे रखा है ना यार, यहाँ पे मैंने लास्ट में नहीं निकाला था इसके लिए, सॉरी। देखिएगा इसके लिए क्या होगा ना यार,
2a2 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, और ये देखिए ये आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको क्या करो ना फैक्टोरियल 2 लिख दो। और यहाँ पे देखो आप a3 जब निकालोगे, और देखो यार a1 भी निकालोगे तो आपका यहाँ पे फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से a3 आप निकालेंगे तो क्या होगा, f(x)(3), यहाँ पे भी आप यह भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यार a2 के जगह पे क्या लिखेंगे, f(x)(2)h³। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम a3 के जगह पे क्या लिख लें, f(x)(3)……… ठीक है, हम कुछ किए नहीं है, यहाँ से a2 का वैल्यू इसको डिवाइड करके निकाल दिए हैं, 2 को इधर ला दिए हैं, और a3 आपका क्या हो गया, इधर आ गया। और मुझे लगता है कि ये बातें आप लोगों को क्लियर हुई होगी और समझ में आया होगा, और इसी तरह से मेरा क्या होता है, ये प्रूफ हो जाता है। तो यदि आप चाहें तो उसके तरह से भी बना सकते हैं, तो बना लीजिए, क्या होगा बताइए, f(x)(2)h²(3)h³(3)h³(3)……… यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा सर, ये मेरा क्या हुआ, प्रूफ होकर आ गया टेलर्स थ्योरम। सेम देख रहे हैं मैकलारिन जैसे, आप ये क्या कहते हैं, मैकलारिन को हम लोग जिस तरह से प्रूफ किए थे उसी तरह से क्या है, टेलर्स को भी प्रूफ कर देना है। तो दो बातें यहां से क्लियर हुई और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। चलिए अब इसके कुछ टाइप्स हम लोग देखते हैं कि और कुछ होता है उसको थोड़ा सा समझिएगा। जब हम क्या करते हैं यार, एक इसका जब वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, मान लीजिए कोई जैसे x की जगह पे मैंने ये रख लिखा है और h की जगह पे x रखा है, देखिए ये क्वेश्चन में आपको काम देगा, ये कब काम देगा, क्वेश्चन जब आप लगाओगे ना तो उस समय काम देता है। तो x की जगह पे a रख लिया है और h की जगह पे x रखा है तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए a, फिर क्या होगा h की जगह पे x, फिर x की जगह पे a, फिर h की जगह पे x, h की जगह पे a, फिर इसी तरह से हम क्या करते चले गए, रखते चले गए, तो मेरा एक ये फॉर्म बनकर चला आता है, क्लियर है। सेकेंड देखिए, यदि हम x की जगह पे रिप्लेस करते हैं x माइनस a, तो क्या होता है, x माइनस a a की जगह पे, तो मेरा बनकर आता है ये इक्वेशन। देखें यार कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इन अ पावर एक्स माइनस ए, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए एक्स माइनस ए बाय फैक्टोरियल 1, एफ डैश ए प्लस एफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। इसी तरह से देखिए मैं तीन टाइप यहाँ पे आप लोगों को समझाया और बताया, ठीक है। इस तरह से रिप्लेस किया जाता है, वैल्यू को रखा जाता है, और मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप के कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं और वहां पे आप लोगों को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।